गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रितिका, गुड मॉर्निंग बेटा। रमाकांत, गुड मॉर्निंग। ईच एंड एवरी वन, गुड मॉर्निंग। कोई डाउट है अभी तक की क्लास में? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? कोई भी डाउट है? करें स्टार्ट। एनी डाउट? गुड मॉर्निंग तनिषा, रितिका, रमाकांत, सोनिया, राजखरे, ऋषिता और सभी को गुड मॉर्निंग। कोई डाउट है बेटा अभी तक के क्लास में? नो सर। नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दम सिंह, तानिया, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन। सर अभी कब हम लोग? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लिखिए क्वेश्चन। दो सौ नौ डॉट एक सौ ग्यारह डॉट दो सौ नौ नहीं था, इसको एक सौ नौ कर लेते। एक सौ नौ डॉट एक सौ ग्यारह डॉट 31.6 255.255 248.0 इसका सबनेट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालिए ईच एंड एवरी वन। कीजिए कैलकुलेट।
बताइए बच्चों आंसर। जल्दी बताइए। आंसर दीजिए बच्चों। एक मिनट सर। बेटा टाइम पे क्यों नहीं आते आप लोग? हो गया है यहां तक? यस कराऊं मैं? सर, हो गया सर। देखिए कौन सी क्लास है बेटा? सर ए यानी 255.248.0। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। एक दो तीन चार पांच ठीक है। कितनी सबनेट बिट है? यह है कितनी आई? आठ और पांच तेरह। और होस्ट बिट कितनी आई? होस्ट बिट कितनी आ रही है बच्चों? 2 की पावर 11 आ रही है। तो नंबर ऑफ सबनेट तो कितने आ जाएंगे? और नंबर ऑफ होस्ट 2 की पावर 11 माइनस 2 2048 माइनस 2 2046 होस्ट। क्लियर है सर? अब देखो 111 का आप 255 के साथ, 31 का 248 के साथ,
छह का जीरो के साथ एंड कर दो, करो एंड। वन 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 का 256 जीरो, वन वन जीरो 255, 31 का 248 के साथ 31 बोले तो 0 0 0 वन 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 248 और 6 का 0 के साथ 1 ये तो आ गया एंड करने पे सबनेट एड्रेस, क्या आ गया 111 डॉट। अरे बोलिए, सोलह और आठ 24 डॉट जीरो और आगे क्या था 109 था सर। और डीबी कैसे निकाल लोगे? जीरो वाली डिजिट बंद कर देंगे सर, बंद कर कर सर। बाकी ये एज इट इज, ये एज इट इज 109 डॉट 111 डॉट कितना हो जाएगा ये 31 31.255। यहां तक सबको क्लियर है? ईच एंड एवरी वन क्लियर है? सब बच्चे लिख दीजिए चैट बॉक्स में। इसमें आपको सारे सबनेट एड्रेस और सब पूरी टेबल बनानी है, बनाइए टेबल तक, पहला मेथड है नहीं एक तरह से। बताइए आंसर बेटा, पूरी टेबल बनाइए, फर्स्ट होस्ट लास्ट होस्ट सबनेट ब्रॉडकास्ट।
बेटा शानू इस वाली आईपी का चाहिए मेरे को आंसर। कौन सी क्लास है? नंबर ऑफ सबनेट कितने आ जाएंगे? 8 की पावर 3। और नंबर ऑफ होस्ट 30 की पावर 5। 30 होस्ट। पर सबनेट और क्या क्या आएंगे वो? 0, 32, 64, 96, 108 कितना? 108 थोड़ी आएगा, 120, 8, 160, 192, 224। फर्स्ट होस्ट दो सौ इक्कीस 111, 33, 65, 97, 129, 161, 193, 225। DBA 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223, 225। लास्ट होस्ट 100 है। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अब सुनिए, ये जगह अगले पेज पर करा देता हूं। अब अपन सीखने जा रहे हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड सिखाने जा रहा हूं बेटा, है ना? मैंने आपको बोला था थर्ड मेथड से आप सारी चीजें कर लोगे इसी क्वेश्चन को। हालांकि ये मेथड आप सीख चुके हो, पर इसमें थोड़ा परफेक्शन हासिल करना है अब अपन को। पेन कॉपी सब रख देना इसी क्वेश्चन को उतार के। बस करें स्टार्ट। यहां तक कोई डाउट है तो लिख दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए क्लियर या क्रिस्टल क्लियर। करे, वेरी गुड। हर बच्चा देखिए, अब ईच एंड एवरी वन प्लीज पुट योर पेन डाउन एंड लिसन केयरफुली। ये है सबसे पहले अपन क्या देखेंगे भाई? क्लास। क्या देखेंगे? क्लास। कौन सी क्लास है?
सी है सर। सी, तो अपन ने मास्क को लिख दिया, हर बच्चा पेन कॉपी रख दे, सभी से रिक्वेस्ट है, मास्क को लिख दिया 3-1। यानी सबनेट कितने आ गए अपने पास, आठ सबनेट, और होस्ट कितने आ गए, टू की पावर 5-2, 30 होस्ट पर सबनेट। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। yes, sir. ये तीन मेरी क्या कहलाएगी, सबनेट बिट, और ये मेरी क्या कहलाएगी, होस्ट बिट। होस्ट बिट, आप सुनिएगा, पहले मैं सबनेट एड्रेस कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। क्या बेटा, सबनेट ये 3 बिट है, बाकी 50 128 64 32, ठीक है, हर बच्चा सुनते रहना। ये लीजिए, क्या होगा, 0001 0010 0011 1001 1010 111, ये फर्स्ट सबनेट आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ, ये एट्थ। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। और नेटवर्क ये मेरी क्या है, सारी होस्ट बिट है, हाँ या ना, अभी पेन कॉपी रख देना, नहीं तो फिर कह रहा हूं मैं, प्लीज, ये 5 की 5 होस्ट बिट्स। आप भी अलग पेन यूज करना, या थोड़ा मोटा और छोटा इस टाइप से कर सकते हो, 1 2 3 4, ये पांचवा इसका आ गया इधर, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एड्रेस आ गए आपके, इसका वजन है 128 64 और 32, तो 0 32 64 96 128 160 192 224। अगला सिखा रहा हूं मैं डीबीए, डीबीए में क्या, ये तो तीनों वन है, बाकी ये मेरी होस्ट बिट्स है, ये मेरी होस्ट बिट है, हर बच्चा देखिएगा बच्चों, तो उड़ा सक प्लीज, क्या सीख रहे अपन, डीबीए किसको तवज्जो देनी है, वो भी मैंने अंडरलाइन किया है, ये मेरे सबनेट बिट है डीबीए। अब सुनिए, कितने सबनेट बनेंगे, 0000 0010 0011 1001 101 1101 111, और डीबीए के लिए ऑल होस्ट बिट वंस, ठीक है, ये 128 64 और 32, तो डीबीए क्या आ जाएगा, 31 63 95 127 159 191 223 और 255। समझ में आ गया, हर बच्चे को चीज समझ में आई? यस सर। आप सुनिए, अगर मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो क्या गुनाह कर देता हूं क्या, सबनेट और होस्ट, देखो कुंडली अपन को पता ही है, सुनिएगा, अगर मैं बोलू फर्स्ट सबनेट का फर्स्ट होस्ट, सेकंड सबनेट का थर्ड होस्ट,
थर्ड सबनेट का सेकंड होस्ट, फिफ्थ सबनेट का इलेवेंथ होस्ट। तो प्यारे बच्चों आपको पता है खेला किस में चलना है, ये तीन बिट तो सबनेट की, पांच बिट होस्ट की। अब पहला सबनेट यानी देखो जीरो 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 सबनेट में एक कम होगा बस ध्यान रखना, यानी जीरो को वन बोलते हैं अपन, येलो। और फर्स्ट होस्ट ऑल जीरो, तो सबनेट को ऑल वन ब्रॉडकास्ट को फर्स्ट होस्ट कैसे लिखा जाएगा, येलो। सेकंड सबनेट का मतलब वन लिखना है, लिख दिया तीन डिजिट में। थर्ड होस्ट यानी तीन लिखना है, कितना लिखना है तीन। थर्ड सबनेट यानी सेकंड, और सेकंड होस्ट यानी ये लीजिए फिफ्थ सबनेट यानी फोर्थ, और इलेवेंथ होस्ट का मतलब ये लीजिए, ये आपके इससे एड्रेस आ जाएंगे। क्या आईपी एड्रेस क्या था बच्चों, 221.111.15.1 ये कितना होता, वजन लिखते जाओ 64 32 32 और 3 35, ये 64 और 1, समझ में आ रही है बात, 66 और अगले का बोले 128 और 11 139। प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, फील आया या नहीं आया, वास्तव में फाड़ कॉन्सेप्ट है, बताइए क्रिस्टल क्लियर है, ऐसे मत लिखो यार। अब तुम सर लास्ट वाला फिर से बता दीजिए बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम आता है सर, टेबल दी होगी हमको, नहीं अपन को ही करना है सब, समझ रहे हो बात सर। देखो दोबारा सीख लीजिए लास्ट वाला, बेटा कुछ ही नहीं कर रहा मैं, ये टेबल गिवन होगी कि कौन से का कौन सा निकालना है। अब आपको पता है तीन बिट में सबनेट का खेला है, अरे नंबर सिस्टम जानते हो ना थोड़ा बहुत, बस yes. तीन बिट में सबनेट का खेल है और बाकी पांच बिट में होस्ट का खेल है। अपन को पहले ही पता है कितने होस्ट आ सकते हैं, 2 की पावर 5 - 2 30 होस्ट आ सकते हैं, टोटल 8 सबनेट है, जिसमें पहला सबनेट जीरो से स्टार्ट होता है इसमें, क्लियर है सर। yes, बाइनरी से ही किए थे तो टेबल क्यों बनाई सबनेट वाली, कौन सी वाली जो पहले मेथड से बनाई थी वो, शानू उतारिए बच्चों। तो बच्चों जो बच्चे सोच रहे हैं कि पहले मेथड फिर सिखाया क्यों, डायरेक्ट तीसरा सिखा देते, तो एक बात बताओ पहले 10th का बोर्ड देने पहुंच गए थे या 12th का बोर्ड देने पहुंच गए थे, या पहले फर्स्ट सेकंड क्लास पास की थी, उसको आंसर मिल सकता है। अपन को समझ में भी नहीं आता है कि एबीसीडी के बाद ही अपन इंग्लिश बोलना सीखते हैं, न सिर वो नहीं, कौन सी फिर बेटा शानू, डीबीए में तो तीन ही बीट है सर वन, तो फिर पांच वन क्यों लिए सर इधर, डीबीए यानी होस्ट बीट। और ये टेबल मैंने पहले आपको इस तरीके से सारे सबनेट निकालना सिखाए, सारे होस्ट, ये क्यों सिखाए अभी, ये तो क्लास सी था, इसको मैं क्लास ए का बना दूंगा अभी थोड़ी सी देर में ही, समझ में आ रही है बात। यस एक नंबर मेथड है बेटा ये, पहले उतारो फिर अगला क्वेश्चन देखो आपको फील आएगा। आपके सारे डाउट सोल्व होंगे, डोंट वरी रहना। ये टेबल तो गिवन होगी कि कौन से का कौन सा निकालना है, ठीक है, ये नहीं तो मेरे को सपना तोड़ जाएगा किसका इसका निकालूं।
थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर हो गया। आगे बढ़े बच्चों, समझ में आया? कराऊं अगला? यस सर। ये मेथड समझ में आ गया ना? बस अब स्टार्ट हो जाओ बेटा तुम। क्वेश्चन बोलो, बोली लगाओ। पहले तो क्या निकाल लो,
नंबर ऑफ सबनेट एंड नंबर ऑफ होस्ट, पहला क्वेश्चन तो। और जो मेन क्वेश्चन है, अगर 8 सबनेट है तो 3 बिट चाहिए सीधा, सबनेट और होस्ट। बोलो बच्चों, बोली लगाइए। अरे बोलो, देखो टोटल। हाँ बताओ, फर्स्ट का फर्स्ट लिखता हूं, सेकंड का थर्ड लिखता हूं, थर्ड का सेकंड लिखता हूं, सेवेंथ का नाइन्थ लिख देता हूं, नाइन्थ का सेवेंथ लिख देता हूं, क्लियर। इलेवेंथ का डीबीए लिख देता हूं। और बोलो कौन सा लिखना है। बोलो बच्चों, 13 सबनेट का थर्ड होस्ट। अरे और बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। देखो नंबर ऑफ सबनेट 16 होंगे और 14 होस्ट होंगे, बताओ किसमें से कौन सा निकलना है। बताओ, 16 सबनेट का लास्ट होस्ट, ठीक है। यस सर। एक और बोल दो यार। 10 वाले का 9 होस्ट। ये ले बेटा, करो, करना तुम्हें ही है बेटा, करो, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, करो। सर इसमें मेथड 2 नहीं लगेगा क्योंकि 47 और 240 में एंड हो सकता है। तो बेटा वो तो पर्टिकुलर सबनेट एड्रेस और होस्ट दे देगा, पर्टिकुलर सबनेट एड्रेस दे देगा, ऐसे तो थर्ड मैसेज से लगेगा आपका, करो। ओके सर। कीजिए, सबके आंसर दीजिए और प्राइवेटली आंसर दीजिएगा।
हो गया आंसर, एक ही बच्चे ने आंसर दिया है बेटा। मैं कराऊं? किरण इसकी वैल्यू भी बतानी बेटा। बच्चे कह रहे सर वेट करो आप, रुक जाओ, आप निकाल रहे, मेहनत कर रहे हैं ना, करो बेटा, अच्छी बात है। कर दूं अब तो स्टार्ट? शुरू हो गया। आंसर लिखिए यार बच्चा प्लीज। यस सर। करा दूं मैं अब? सर देखे है बच्चा, हर बच्चा देखे। अब सुनिए, चार बिट का खेल इसका है और चार बिट का खेल आपका होस्ट का है। करे देखो, ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ सबनेट आ जाएंगे 2 की पावर 4 और होस्ट आ जाएंगे 2 की पावर 4 माइनस 2, 14 होस्ट। अब देखिए, फर्स्ट सबनेट यानी मैं सीधे अब क्वेश्चन पे आऊंगा, 0 0 0 0 फर्स्ट होस्ट, 0 0 0 1 दूसरा सेकंड सबनेट, या चलो होस्ट को अलग पेन से लिख देता हूं मैं,
सेकंड सबनेट यानी 0010, थर्ड सबनेट 0011, थर्ड यानी सेकंड यानी फर्स्ट, थर्ड यानी सेकंड, सेवन सबनेट यानी 6 लिखना है, 0, 4 और 2, 6, नाइन्थ यानी 8 लिखना है, 11 यानी 10 लिखना है, 13 यानी 12 लिखना है, 16 यानी 15 लिखना है और 10 यानी 9 लिखना है। ये लीजिए, अब होस्ट, थर्ड होस्ट तीन कैसे लिखोगे 0011, सेकंड कैसे लिखोगे 0010, नाइन्थ कैसे लिखोगे 1001, सेवेंथ डीबीए के लिए ऑल होस्ट बिट 1, थर्ड कैसे लिखोगे और लास्ट होस्ट येलो नाइन्थ। ये लीजिए, चीज समझ में आई ईच एंड एवरी वन? क्लियर है? 202.111.222. कितना हुआ ये देखो, जब जोड़ने की बारी आए डॉट वन 16 और 3 19, 32 और 2 34, 96 और 9, बोलो कितना होता है 105, 105, वेरी गुड बेटा, 128 और 7, 135, 128, 32, 160 और 115, 175, 192 और 3, 195, 240, ये 254 हो गया, 128 और 16, 144, 144 और 9, 153, समझ में आ गया? Yes, sir. तीन गलत हो गए। आप तो ये बताए कि समझ में आया या नहीं आया। Okay. अब लिख तो भाई, मजा आया नहीं आया, है नहीं अच्छा मेथड, एक नंबर, ताबड़ जिसे बोलते हैं मन, ताबुक मेथड सर, ताबुक। हाँ, ईच एंड एवरी वन राइट डाउन इन चैट बॉक्स, आलसी बच्चे, एक और क्वेश्चन दू? Yes, sir. कोई मना कर रहा है क्या? पाप लग सकता है मना कर रहे हो तो। एक और दे दू? Yes, sir, दे दो। क्लास बी का देते हैं। Yes, sir. क्लास बी का देते हैं। बोलो कोई आईपी। डॉट 21, 255, 255, ये तो होता ही है, और आप ले लो 252.0। बच्चों पहले तो ये बताओ, बेटा देखो किसी ने एक आधी गलती की होगी, आप एक चीज कसम खा ले, वन लिखना है तीन डिजिट में लिखना है तो तीन में लिखना आता है, चार में लिखना है तो चार में लिखना आता है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है, नंबर ऑफ सबनेट कितने आएंगे, अरे बोलो, 2 की पावर 6, 64 सबनेट आएंगे, और नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे, 2 की पावर 10 - 2, 1022 होस्ट आ जाएंगे। अब देखो मेरे पास रेंज बढ़ चुकी है, सोच समझ के बोलना कौन सा सबनेट कौन सा होस्ट, मैंने आपको बोला था आप बोलो कौन सी सबनेट का कौन सा निकालना है, ओपन चैलेंज है आपके लिए, हाँ या ना? Yes, sir. सबनेट और होस्ट बोलो कौन से का कौन सा, चलो मैं बोलूं तुम्हारे को आसान लगेगा, 1, 10, 55, 256, पहले तो लिख लेते अपन 11 सबनेट का, बस 11 का, इधर सबनेट में ना जीरो से जीरो को वन बोलते, ये ध्यान रखना, बाकी 11 सबनेट का 11th होस्ट, उसके बाद थर्ड सबनेट का, अब मैं थोड़ा सा बड़ा आदमी हो गया, 256th होस्ट,
सेवन सबनेट का 512th होस्ट, समझ रहे हो, लैब नंबर सातवें का 512th होस्ट। भगा रहा हूं मैं तुम्हारे को, जाओ लैब नंबर 51 देख के आओ। 64 लैब है मेरे कॉलेज में और हर लैब में 1022 होस्ट है, समझ रहे हो, आ रहा फील? आ रहा है सर। हाँ आना चाहिए। 51th लैब का जा बेटा जा, प्रोटीन बहुत जिम करता है, देखता हूं तेरे में दम कितना है। 51th सबनेट का आप जाओ 261वां होस्ट देख के आओ, जाओ। और बोलो, तुम बोलो बेटा। 47th सबनेट का डीबीए बता के आओ। भाई आंसर मेरे को भी नहीं पता, रैंडमली लिख रहा हूं मैं आपके सामने जो आप बोल रहे हो। जी सर। और बोलो। 63 का 67। 63 सबनेट का 67। 67th होस्ट। और बोलो, एक और बोल दो। चलो यार ट्वेंटी नाइन का सबनेट एड्रेस या लास्ट होस्ट, ये लीजिए 29 का कर दिया मन, ठीक है करो, हर बच्चा करेगा। देखो खेलना आना चाहिए बस, और नंबरिंग देना आना चाहिए। करो पहले आप ट्राई करो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा फिर। करो या एक काम करो, सुनिए ये वाला भी रुको, ये तो करना ही करना है। इससे पहले मैं एक करा दूं ताकि आप उसमें परफेक्शन हासिल कर पाए, नहीं तो उसमें तुम्हारे हाथ खड़े हो जाने इस वाले में और टेंशन में आ जाओगे। लॉकडाउन के बाद तो टेंशन लेना ही नहीं है भाई। दो सौ पचपन 252.0 क्लास कौन सी है प्यारे? देखो इसमें मैं सिखा रहा हूं फर्स्ट सबनेट एड्रेस, लास्ट सबनेट एड्रेस, ये 6 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको फायदा होगा। फर्स्ट होस्ट और फर्स्ट सबनेट, लास्ट होस्ट ऑफ लास्ट सबनेट, डीबीए ऑफ फर्स्ट सबनेट, ठीक है ये मैं करा देता हूं। मैंने आपको परसों दिन पहले दिन प्रॉमिस किया था बेटा ये तो मजाक लगेंगे आपको, इससे भी ज्यादा अपन सीखेंगे। अब देख लो आप क्लास ए है ये, डीबीए ऑफ लास्ट सबनेट, पेन कॉपी रख दीजिए हर बच्चा। क्लास ए 255 252.0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 कितने आ गए? 7 देते जाओ यार, बोलते जाओ। 10 तो होस्ट बिट हो गई और 14 सबनेट बिट हो गई, तो नंबर ऑफ सबनेट कितने आ जाएंगे? 2 to the power 14। और नंबर ऑफ होस्ट 1022। इसमें भी आप कोई से का भी कोई सा निकाल सकते हो, पता है आपको? अब सुने, अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, यहां तक समझ में आ गया? ये खेला तो चलेगा मेरा होस्ट बिट का, और ये खेला चलेगा मेरा सबनेट बिट का। इनमें नंबरिंग मैं पुराने वाले के लिए तैयार कर रहा हूं, मेरा वाला तो बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो फर्स्ट सबनेट एड्रेस पहला क्वेश्चन, इसको मिनिमाइज कर रहा हूं थोड़ा सा मैं। जी सर। फर्स्ट सबनेट का एड्रेस, पहला सबनेट क्या आएगा? अरे आपको जीरो लिखना है भाई, कितने में भी लिखवा लो, होशियार बच्चे हम इतने तो। और एड्रेस चाहिए सबनेट एड्रेस के लिए, क्या होता है? ऑल होस्ट बिट आर जीरोस, 10 बिट का होस्ट खेला है, लेकिन जब बंटवारे की बात आएगी तो 8-8 का ऑक्टेंट चलेगा। लास्ट सबनेट एड्रेस, एड्रेस चाहिए येलो, और कौन सा लास्ट सबनेट? लास्ट तो येलो, समझ में आ रहा है? नजर हटी दुर्घटना घटी। जी सर।
फर्स्ट होस्ट ऑफ फर्स्ट सबनेट, फर्स्ट सबनेट कौन सा होता है? जीरो ही तो होता है जी सर, उसका फर्स्ट होस्ट ये लीजिए। लास्ट होस्ट ऑफ लास्ट सबनेट, लास्ट सबनेट कौन सा होता है? ऑल वन सबनेट्स, तो लास्ट होस्ट में हाँ या ना? यस सर। पांचवा डीबीए ऑफ फर्स्ट सबनेट, फर्स्ट सबनेट बोले तो जीरो वाला, और डीबीए बोले तो सब बंद हो जाएंगे सर, और लास्ट सबनेट भाई हार्ड है क्या? ऑल वंस, ऑल वंस मैं क्या कह रहा हूँ, हार्ड है क्या? नो सर, देखो हैं मेथड हार्ड है सर, मतलब बहुत हार्ड है। अच्छा जी, मतलब खाली है सर, सॉल्व करना है सर बस भाई, नंबर सिस्टम है, एक दो चार आठ इधर बंटवारा इधर कर दो, एक दो चार आठ 39.0.0.0 30 सेकंड भी नहीं लग रहे भाई, 255 252.0 39.0.0.1 39.255.255.254 39.0.3.255 39.255.255.255 यहां तक समझ में आ गया? यस सर। थोड़ी एक और झलक दिखाऊं? यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर स्टार्टिंग से। भाई ऐसा कोई पूछता है ना मेरा दिल दुखता है थोड़ा सा तो इसलिए नहीं कि मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, जितना मैं जोश में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ उतना बैक गियर मार देते हो। कोई बात नहीं, कर रहा हूं मैं, आप एक बार नंबरिंग सीखे। आप जगह छोड़ छोड़ के बनाइएगा ना, मेरे को तो ये एरो खींचने पड़ रहे हैं। सुनिएगा हर बच्चा, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा क्लास ए है भाई, ठीक है? यहां तक समझ में आया? क्लास ए है तो 255 252.0 तो आपको पता पड़ा कितनी बिट सबनेट की है, 14 बिट सबनेट की और 10 होस्ट बिट है। यस या नो? अब तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको सुनिएगा। 14 बिट सबनेट की है और 10 होस्ट बिट की है, तो कितने सबनेट आ जाएंगे बेटा? 2 की पावर 14 सबनेट आ जाएंगे, हाँ या ना? और होस्ट कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 10 - 2 1022 होस्ट पर सबनेट, ठीक है? अब देखो ये 10 बिट का तो खेला होस्ट का है और ये 14 बिट का खेला सबनेट का है। पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट सबनेट एड्रेस, लास्ट सबनेट एड्रेस, फर्स्ट सबनेट ये हो गया फर्स्ट सबनेट एड्रेस के लिए होस्ट बिट सारी जीरोज, होस्ट बिट सारी जीरोज। दूसरा लास्ट सबनेट, लास्ट सबनेट होस्ट बिट सारी जीरोज, फर्स्ट सबनेट का फर्स्ट होस्ट येलो, लास्ट सबनेट का लास्ट होस्ट, लास्ट होस्ट के लिए क्या कर देंगे? इसको जीरो कर देंगे। समझ में आ गई बात? अगर ये ही वन हो जाता तो मेरा वो डीबीए बन जाता। समझ में आई? अब देखो फर्स्ट सबनेट का डीबीए, लास्ट सबनेट का डीबीए, यहां तक समझ में आ गया? Sure. जिसने भी पूछा था मुझसे रिपीट कराया था। अब सुने, अगर अब मैं बोलता हूं क्या मेरी लैब कितनी है भाई, लैब कितनी है? 2 की पावर 14 16,000 लगभग कितनी होगी, जो भी होगी। अगर मैं बोलता हूं मेरे को 1025वीं लैब का कौन सा सबनेट चाहिए? मेरे को चाहिए 256 वाला कंप्यूटर। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? अच्छी तरह सीख लेना, अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा नहीं तो तुमसे। 1025 का मतलब क्या हो गया? आप देखो जीरो को क्या बोलते हो? वन, हाँ या ना? तो 1025 का मतलब 1024, तो 1024 कहाँ पाया जा रहा है? देखिए ये वाली बिट पे पाया जा रहा है, देखो ना, 1 2 4 8 नंबरिंग काउंट कर दो,
एक दो टू की पावर एक दो चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ एक सौ अट्ठाईस दो सौ छप्पन पांच सौ बारह एक हजार चौबीस एक हजार चौबीस हाँ या ना सर यानी चौथी बिट एक दो तीन चार कितने में चौदह में चौथी बिट बस ये लो और 256 कहाँ पाया जा रहा है होस्ट में प्यारे बच्चों इधर पाया जा रहा है कहाँ यहाँ पाया जा रहा है तो क्या कर दूंगा मैं 10 बिट का खेले में ये मत बोल देना दोबारा बता दो नहीं तो बता दूंगा मैं कोई बात नहीं समझ में आया तो आंसर हो गया 39.12416 16.1.0 माय डियर स्टूडेंट ये पता है कौन सा आईपी है नशे में मत रहना ये वाला आईपी है 1025वीं लैब का 256वें नंबर का कंप्यूटर का एड्रेस ये है मजा आ गया सर भाई जो बोला था वो करके दिखाया नहीं दिखाया 39 है मैंने बोला था इसको देख के मत बोलना ये धोखा देता है पहली क्लास में बोला था कि दूसरी तीसरी क्लास में आप इसको क्लास ए का बना के भी कर दोगे ये छोड़ो आप कितने भी कर सकते हो यहाँ तक समझ में आ गया पहले आप इसको उतारेंगे फिर इसको करेंगे आप ठीक है इसको उतारे मैं शांति से बैठा हूं उससे पहले आप लिख सकते हो अगर मजा आया तो आप लोगों को कैसा लगा ये कंसेप्ट क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे आप ओनली दो ही बच्चों को मजा आया क्या शानू और तानिया को उतार लिया है नो सर उतारिए उतारिए टेक योर टाइम प्लीज डू इट फास्ट बेटा कर दूं ऊपर इसी तरह ये वाला क्वेश्चन तो बाद में करना है अभी तो यही करना है अपन ने
डन एवरीवन. उतार लिया बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन करें. बेटा आंसर दीजिए, ईच एंड एवरी वन आंसर दीजिए.
बेटा आंसर का क्या हुआ? ईच एंड एवरी वन, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था बेटा। क्लास कौन सी है मैं करा देता हूं, बी 252.0। दस तो होस्ट बिट और छह सबनेट बिट, 11 सबनेट यानी 10th लिखना है, 001010 और 11th होस्ट लिखना है यानी 00000001011, क्योंकि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 थर्ड लिखना है यानी सेकंड लिखना है येलो, और कौन सा होस्ट 256 हुआ कहां आएगा 01। सेवेंथ यानी छह लिखना है, 4 और 2 6, और कौन सा होस्ट 512 हुआ फिफ्टी वन यानी 50 लिखना है। 50 कैसे लिखोगे बेटा, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 48 और 250, आ गई बात समझ में। उसका 261 हुआ कंप्यूटर, 261 बोले तो 256, 4, 260, 261। 47 यानी 46 लिखना है, कैसे लिखोगे 46, 32 और 48, 44, 46, उसका DBA 63 यानी 62 लिखना है, 62 कैसे लिखोगे 48, 56, 60, 62। समझ में आ गई बात, क्लियर है? और 67 लिखना है होस्ट, होस्ट 67 कहां आएगा, ये 64, ये 67, 29 यानी 28 लिखना है, 28 कैसे लिखोगे 16 और 8 24 और 4 28, 0111 00 लास्ट होस्ट ये लीजिए, आंसर आ जाएगा 172.170. ये कितना होता भाई 128, जब जोड़ने की बारी आएगी, जब 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तो कितना होता ये 40.11, और ये कितना हुआ भाई 8 और 1 9.0, ये कितना हुआ 16 और 8, 3, 2, 5, 8 ठीक है, 16 और 8 24 और 2 26, 26.0, ये कितना हुआ 192 के बाद 9 जोड़ो और कितना होता है 201.3। इसमें देखो 128 और ये कितना हुआ 32, 160, 176, 184, 187। फाइव होगा ना किसमें, इस वाले में, अच्छा यहाँ, हाँ सॉरी, इधर देखो कितना आएगा 128 और 64 तो छोड़ दो, 32, 160, 176, 184, 187.255, ये देखो 3, 2, 5, 5, 1 यानी 248, 248 और ये 64 और 3 65,
112 और 3 115 254. आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन हो रही है, क्या गेट में ऐसे आते हैं? गेट में तो बहुत मजाक वाले क्वेश्चन आते हैं, ये तो कभी पूछे भी नहीं गए. फिर करा क्यों रहे हो आप, नहीं पूछे गए तो. किसी भी लाइन को छोटा करना है तो उसको इरेजर से नहीं मिटाते, उसके आगे बड़ी लाइन खींचते हैं. ये मेरा सिद्धांत है. सब बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर, आ गया सर. काफी बच्चों के ये आंसर आ रहे होंगे. जिन जिन के आ रहे हैं प्लीज टेल मी. अब मोस्टली के करेक्ट ही आ रहे होंगे, एक आधा मिस आ रहा होगा. एक आधा गलत हो रहा, कोई बात नहीं बेटा. आप ये सोचे ना, इतने सही तो कर पा रहे हो आप. उतार लिया है? हो गया है बच्चों, आगे बढ़े. यस सर. देखिए अगला. डिसकंटिन्यूअस मास्क भी करा देता हूं. उससे पहले एक और क्वेश्चन लिखे. ये चार आईपी दे रखी है, 201.123.146.115, 2 marks. आईपी 2 203, आईपी 4 159, और आपको सबनेट मास गिवन है 255 255 255.240. आपको क्या चेक करना है? कैलकुलेट ऑल आईपी belongs to same subnet or not. ये mask दे रखा है, आपको ये check करना है कि क्या ये सभी same subnet से belong कर रही है क्या. समझ में आई बात? अच्छा सुनिए, एक बार सब सुने. इसके gate के question की PDF मैं आपको दूं, आप घर पे try करोगे? कल मैं फिर कराऊंगा, चलेगा? लेकिन सुनो, अगर ट्राई करो तो ही दूं, नहीं तो नहीं दूंगा. सर आज नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से. क्यों? आज क्लासेस है, संडे है आज तो. सर वो एल्गोरिथम की, सर आज थोड़ा लेंथी क्लास की बोल रहे हैं सर. एल्गोरिथम अभी हुआ नहीं क्या उन सर का? नहीं सर. अच्छा कल तो कर देंगे. कल तो मैं क्लास में ही कराऊंगा. चलो अभी तो आप इसको करो. देखो बच्चों, इसको आप तीन तरीके से कर सकते हो. एल्गोरिथम की क्लास कितने बजे से? जो 10 बजे से बोलने हैं सर. और रोज कितने बजे होती थी? 5 बजे. अच्छा तो 10 बजे से कितने बजे तक होगी? पता नहीं. 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे क्लास बोल रहे सर. अच्छा चलो आप करो, इसको करो, कोई बात नहीं.
आप दोनों तीनों मेथड से कर सकते हो, पहले मेथड से भी कर सकते हो, दूसरे से भी, तीसरे से भी। गेट में चार छह मार्क्स के न्यूमेरिकल ऐसे भी आए। देखो दूसरे मेथड से कैसे करोगे मैं बता दूं, आप एंड कर दो अगर सबके सबनेट एड्रेस सेम आ रहे हैं तो सही बात है, अदरवाइज नहीं। तीसरे मेथड से कैसे करोगे, इन 115 137 100 इनको बाइनरी में लिख लो, पहले मेथड से माइनस कर करके इंटरवल देख लो। करो मैं फिर तीनों मेथड से समझाऊंगा इसको, करिए सब। यस सर, हर बच्चा एटलीस्ट दो मेथड से करेगा ही करेगा। तीन तीन मेथड से करे बेटा, आर माधव। और देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में, विच आईपी रिप्रेजेंट, थर्ड पे आना ही पड़ेगा, थर्ड मेथड पे। विच होस्ट ऑफ विच सबनेट, कि ये वाली आईपी कौन से होस्ट ऑफ कौन से सबनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। करो बच्चों, ये टाइम लेगा, पांच मिनट, करो। Thank you.
अरे बच्चों सब कर रहे हो या मैं कराऊं? कर रहे हैं सर। कर रहे हो? हाँ आर माधव लास्ट वाला देखें। दोबारा देखें। वेरी गुड बच्चे। दो ही बच्चे आंसर देंगे कि बाकी का क्या हुआ?
राज खरे चेक योर आंसर. अराउंड लास्ट वाला पूरा बताएं. Each and everyone, जल्दी से बताएं, last 1 minute. मैं करा रहा हूं अब. देखिए बेटा, 115 को कैसे लिखोगे आप? 0111 137 यानी 128 और 9. हाँ या ना? यस सर. सर 93 को 64 159 को 9. यहाँ तक सबको समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर. यस सर. देखो बच्चों, इसको आपको करने के 2-3 मेथड है. सॉरी, पहला मेथड तो देखो क्या है, आपका सबनेट मास क्या है? 255 240, यानी 240 में क्या 4 1s और 4 0s. ये मेरी होस्ट बिट, ये मेरी सबनेट बिट. हाँ या ना? नंबर ऑफ सबनेट कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 4, 16 सबनेट आ जाएंगे बेटा. और नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे 2 की पावर 4 - 2, 14 होस्ट पर सबनेट. पहला मेथड तो देखो, इंटरवल देख लो, 0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176. अरे यार रुक जाना एक बार, है ना, 176. उसके बाद क्या होता है, 192 208 224 और 240. अब देखो 115 वाला किससे आ रहा होगा? 112 वाले से. 137 वाला किससे आ रहा होगा? 128 वाले से. 93 वाला किससे आ रहा होगा? 80 वाले से. यस या नो? और 159 वाला किससे आ रहा होगा? 144 वाले से. ऐसे निकाल लिया. ये तो हुआ आपका पहला मेथड. हाँ या ना? Yes, दूसरा मेथड, 115 का जब भी ऐसे करना हो 240 के साथ एंड कर दो. 115 यानी 0111 0011 1111. सब पेन कॉपी रख दीजिए, मैं तीनों मेथड सिखाऊंगा. आ गया 112, दिख तो रहा है ना सब बच्चों को? सर 137 यानी 1000 और 9 240. एंड किया, क्या आ गया? 128. ये भी मैंने लिख रखा है इधर, देखो ना.
93 0101 1101 1 2 3 4 0000 0101 0000 कितना हो गया भाई 80 और 159 को कैसे लिखा 1001 समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से 1111 1001 0000 कितना आया भाई 128 और 16 कितना होता है 144 ये हो गया मेथड सेकंड आपका देखो दोनों तरीके से तीनों तरीके से हो जाएगा यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया अभी लिखना मत बोलिएगा 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 yes, sir, yes, sir. अब देखो yes, sir. अब देखो ये चार बिट तो मेरी सबनेट की है ये चार बिट मेरी सबनेट की है और बाकी चार मेरी होस्ट की है अब आप अपने आंखों से देख सकते हो 0111 1000 0101 1001 राज खरे आप बोल रहे थे आईपी 2 और 4 सेम है बेटा इधर से अपन को अपनी नेत्रों से दिख रहा है क्या ये सारे अलग अलग रेंज आ रही है नहीं आ रही है भाई यस सर आ गया सर गलती हो गई थी थोड़ी सी माफ किया अब सुनो कौन से सबनेट के कौन से होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखे अब आप ये खेला मेरा होस्ट का है ये कौन सा हो गया 7 यानी 8 सबनेट का थर्ड होस्ट ये 8 यानी 9 9 सबनेट का 9 ये 5 यानी 6 सबनेट का 13 होस्ट ये 9 यानी 10 10th सबनेट का डीबीए माय डियर डीबीए कोई 14 होस्ट लिख रहा है कोई 16वां होस्ट लिख रहा है कोई 17वां होस्ट लिख रहा है भगवान देख रहा है सब प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई या नहीं आ गई यस सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले इसका स्क्रीनशॉट ले ले हर बच्चा गेट में इतना बड़ा आएगा कि लाइक इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा चार दिए हैं गेट में बहुत इजी आया भाई आप तो सेकंड मेथड से देखो ना यार इसको कितना इजी है यस सर सेकंड से किया था हां फर्स्ट आना सारे चाहिए भाई आने सारे चाहिए देखो yes, लिख के थोड़ी देर गेट वाला ये नहीं पूछूंगा नहीं मैं पूछ रहा था कि सारे आएंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा सर इतना सारा नहीं नहीं होगा इसका कोई शॉर्टकट सर भाई ये कौन पूछा आ रहा हूँ सर बेटा आ रहा हूँ ये क्या सिखा रहा हूँ फिर मैं ये मतलब इससे भी ज्यादा कोई शॉर्टकट है इससे ज्यादा राम का नाम ले बेटा फिर मस्त मौज कर नहीं सर यार एक बार बता क्लास सी है ये शॉर्टकट ही तो है इससे एंड किया इससे एंड किया इससे एंड किया इससे एंड किया अब चार ऑप्शन है चारों को चेक करेगा ना भाई यस सर चार ऑप्शन है तो चारों को देखेगा क्या ये इससे आ रहा है ये इससे आ रहा है ये आ रहा है या नहीं आ रहा और ऐसे तीन क्वेश्चन आए कल कराऊंगा और ये ऐसे और शॉर्टकट है 115 को लिख दे इनकी चारों सबनेट चार सबनेट बिट है चारों देख लो क्या मैच कर रही है क्या ये चार खत्म कहानी इससे बड़ी जान देगा उसकी नहीं ये वाला थोड़ा लॉन्ग है भाई सारे लिखो फिर चेक करो ये दोनों दूसरा और तीसरा तो शॉर्टकट ही तो है भाई यस सर ऐसे ही क्या सर सॉरी बोल दो बार यस सर सॉरी सर एक ही हुआ है अगला देखें सॉरी एक और बार सर मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे चलो कोई बात नहीं मजाक कर रहा हूँ ना दिल पे मत लेना है ना बुरा मत मानना नहीं सर ठीक है और मानो तो मान जाएंगे 47 255 255 255 192 चारों सबनेट एड्रेस बताइए चारों सबनेट एड्रेस बताइए और कुछ ही नहीं
सॉरी, चार सबनेट 62 होस्ट पर सबनेट, दो सबनेट बिट है भाई और छह होस्ट बिट है, दो बिट सबनेट की है तो क्या खेला चलेगा भाई, 00 01 1011, जीरो 64 128 192, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े, सबनेट एड्रेस निकल जाएगा 210.125.111.0.64.128.192, 210.125.111, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। वही वाला आईपी दोबारा बोले, 210.125.111.47, 255.255.255.40 कीजिए बच्चों, इसे पहले डिस्क्लेमर सुन लो भाई, ये कहलाता है डिसकंटिन्यूअस मास्क, जो यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आप जब करोगे जब ही आपको पता पड़ने लग जाएगा, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, मैं ये मान रहा हूं। कीजिए जल्दी सीख। हो गया सर, इसमें 2 की पावर 5 सबनेट है? नहीं, देखो क्लास कौन सी है, सी 40 को कैसे लिखोगे, 0 0 32, ये लो कितने बिट सबनेट है भाई, 2 बिट, नंबर ऑफ सबनेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, 4 सबनेट बनेंगे और होस्ट कितने आ जाएंगे सर? ये अपन ने तो ऐसे ही ले लिया ना, मतलब कंटिन्यूस में फिर, ये प्रैक्टिकली यूज में नहीं होता है लेकिन गलती से वो एक कीवर्ड यूज कर दे, गेट में नहीं आता ये कभी,
ध्यान रखना, गलती से आप सीसीएनए कर रहे हो या कोई सा भी एग्जाम कर रहे हो, बोल दे भाई बताओ, तो पहला सबनेट क्या हो जाएगा? आपको ये चीज तो पता ही है। और दूसरा, तीसरा और ये चौथा, बस मैं ये सिखाना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है आप कुछ सोचो ना यार, पहले सबनेट का डीबीए दूसरे सबनेट के एड्रेस से ज्यादा जाएगा। यस सर, समझ रहे हो? यस सर, बट अपन को आना चाहिए। तो बेटा देखो, 32 और 8, तो 0, 8, 32 और 40, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो खुद करना, मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है सब बच्चों को? ईच एंड एवरीवन, मजा आया? यस सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।